सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहीहंडे और स्वागत है आप लोगों का हर चार्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आज हम लोग एक स्टूडेंट्स का पेंटिंग का एग्जीबिशन है उसे ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सो कल से एग्जीबिशन स्टार्ट होता है पर एक दिन पहले ही हम लोग आ गए हैं पेंटिंग्स का डिस्प्ले करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं सारे पेंटिंग्स हम लोगों ने अल्फाबेटिकली लगा दिए हैं ऑलरेडी और उनको थ्रेडिंग का काम मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि पेंटिंग जो है वो डिस्प्ले किस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, खुद का अगर आपका एग्जीबिशन है तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, टैग्स कैसे लगाने हैं, बाद में फ्रेमिंग हैंगिंग कैसे करना है, उसमें थ्रेड कैसे बांधना है। और लगाते वक्त अभी बहुत सारे वेज होते हैं पेंटिंग एग्जीबिशन के, बट मैंने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 37 स्टूडेंट हैं, अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम के हिसाब से सारे पेंटिंग्स हम लोग सेट कर रहे हैं। तो पेंटिंग टाइप के हिसाब से उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं इस बार, इस बार क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 180 पेंटिंग्स है, तो इसलिए हम अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हैं और सारे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के पेंटिंग्स इसमें हैं, मतलब पेपर वर्क भी है और कैनवस पेंटिंग भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम लगाते हैं, अभी जैसे मैंने थ्रेड बांध लिए कि नीचे एक 4 पेंटिंग्स आ रहे हैं, तो इसके ऊपर ना सबसे जो नीचे वाला पेंटिंग है पहले आपको वो हैंग करना होता है। इस तरह से सबसे नीचे वाला पेंटिंग पहले आएगा, फिर सेकेंड लास्ट पेंटिंग लगाएंगे उसमें, फिर थर्ड लास्ट एंड फिर फर्स्ट पेंटिंग आ जाएगी उसमें। ठीक है, ये फ्रेम के हम लोग जो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लगाते वक्त, उसको बाद में सब पेंटिंग को साथ में ठीक करेंगे। एंड फ्रेम के ऊपर एक ये इस तरह का पॉलिथीन बैग होता है, तो ये भी इस तरह से निकालना होता है, हम लोग वो सारे पेंटिंग लगा के क्लीन करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अभी ये सारे पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, थ्रेड कैसे बांधना है, थ्रेड एग्जैक्टली कैसे बांधना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक रफ आइडिया इसे आ गया होगा कि पेंटिंग को डिस्प्ले किस तरह से करना है। ओके, चलो तो पूरी गैलरी भर देते हैं सारे पेंटिंग से। अब होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। सो इस तरह से धागा अगर आपको डालना है एग्जीबिशन का पेंटिंग हैंग करने के लिए, तो ये एक हुक में से पहले डालना है, उसके बाद इसको सेकंड हुक में लेना है, यहाँ पर आपको गार्ड बांधनी है। ठीक है, गार्ड कम से कम 2 या 4 आप बांध सकते हो, मैं यूजुअली 4 उसमें गार्ड लगा देता हूँ। एंड ये जो नेक्स्ट पेंटिंग होती है और इसका ऊपर का जो धागा है इसे मैच करना है आपको। ठीक है, और उसके बीच में अप्रोक्सीमेटली एक 2 इंचेस का डिस्टेंस मैं मेंटेन कर रहा हूँ सब फ्रेम में। एक्चुअली पेंटिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 180 पेंटिंग्स है और गैलरी साइज थोड़ी छोटी है कंपेयर टू द पेंटिंग्स, इसलिए वो एक के नीचे एक लगाने पड़ रहे हैं बहुत सारे पेंटिंग्स, और कोई ऑप्शन नहीं है डिस्प्ले के लिए। और एल्स अगर एक एक कम होते पेंटिंग्स तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिस्प्ले कर सकते थे, फिर एक के नीचे एक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए इसको, इसमें से धागा आपको डालना है और इसे इसमें से निकालना होता है, और फिर यहाँ पर आपको गार्ड बांध देनी है। ये सबसे ऊपर वाला पेंटिंग है तो उसको मैं अंदाजा से इतना साइज रख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इस धागे को भी काट लूँगा। ये धागा इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है, ये हाथ से अनब्रेकेबल है, आपको सीजर या कटर यूज़ करना होता है इसको कट करने के लिए। सिंगल धागा लगा तो भी एक पेंटिंग आराम से हैंग हो जाती है, बट सारे ग्लास के फ्रेम्स हैं और मुझे रिस्क नहीं लेना था इसलिए मैंने उसको डबल किया है। Thank you.
आप लोगों ने पूरा गैलरी का लुक तो देख ही लिया होगा. सो इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि धागे को हैंग कैसे करना है, पेंटिंग किस तरह से डिस्प्ले करनी है, तो आप लोग देख सकते हो पेंटिंग हम लोगों ने अल्फाबेटिकली डिस्प्ले की है. हर एक स्टूडेंट के टैग्स अच्छे से लगाए. अभी मैं एक टैग निकाल के आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाने हैं. ये अगर आपका पेपर है, मतलब प्रिंट आउट निकाला है हमने, कटिंग किया है उसको, तो बैक साइड से हम लोगों ने फोम टेप लगाया और वो फोम टेप एक साइड से उसका रैपर नहीं निकाला है और उसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो सब स्टूडेंट्स के हर एक पेंटिंग पे आपको प्रॉपर यहाँ पर टैग दिखेगा और सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने प्लेस किया है. जैसे किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है, ये आरिशा है, तो इसका पहले आएगा और जो लास्ट में है अल्फाबेटिकली उनका लास्ट में जाएगा. तो इस तरह से पेंटिंग आपको डिस्प्ले करनी है. हम लोगों ने कोशिश की है कि ऊपर की लाइन एक हो. अगर यहाँ पर देखो आपकी पेंटिंग्स अगर कम है तो फिर आप सिंगल सिंगल पेंटिंग लगा सकते हो. बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वी गॉट अराउंड 180 पेंटिंग्स, 180 पेंटिंग हम लोगों को मिले. तो आप देख सकते हो इतने सारे पेंटिंग्स आए हैं तो हम लोगों को उसको इस तरह से डिस्प्ले करना ही पड़ा. ठीक है, सो होप सो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कैसे करना है. बाहर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बैनर हम लोगों ने लगाए हैं. वैसे बैनर्स आप एग्जीबिशन हॉल में लगा सकते हो. और यहाँ पर आइए, टेबल पर मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आपको एक फीडबैक के लिए आपको यहाँ पर रखना है, जिसमें लोग आके उनके ओपिनियन लिख सके. इस तरह से पेन और एक बुक, आपको डायरी यहाँ पर रखना चाहिए. देन यू हैव टू कीप योर ब्रोशर, जो भी आपके पैम्पलेट्स हैं और विजिटिंग कार्ड्स जो आप लोगों को दे सको, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर रखना है. और एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ, तो स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरह से सर्टिफिकेट भी देते हैं. जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट होते हैं उनको इस तरह से सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं एग्जीबिशन का. ये कॉम्पिटिशन नहीं था, ये एक एग्जीबिशन था सिर्फ. Thank you.
So thank you so much everyone for watching this video.